सर, और ये कि ये जो एक मैसेज आया है वो चीज छूट गया कि कर्नाटक में जो आपस में सिर पटोवर शुरू हुआ है सिद्धारमैया और इसमें डीके शिव कुमार में, जो कि मालदार आदमी वही है, पार्टी को पैसा आज के डेट में डीके शिव कुमार दे रहा है, तो क्या राजस्थान मध्य प्रदेश वाला हाल कर्नाटक में होगा? और क्या कर्नाटक की जीत संजीवनी दे दिया भारत विरोधियों को? हाँ, ये इससे मैं 100% सहमत हूँ कि ये फिलहाल वो जो गैंग है वो तो गजब की ऊर्जा से सराबोर हो गया। अभी आपने उस खैराती के ट्वीट दिखाया ही कि इतना वो बौरा गया है उस ऊर्जा से। लेकिन ये इनको ऊर्जा देने के लिए, इनको ताकत देने के लिए तो ये जीत बहुत महत्वपूर्ण है, वो इनको देगी भी, लेकिन इसका कोई बहुत वैसा परिणाम आपको नहीं मिलेगा। ये इस गुब्बारे की हवा बहुत जल्दी निकलेगी, ये अभी 10-15 दिन ये तने रहेंगे, खैराती भी इस पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन इसका कोई बड़ा भयंकर परिणाम या भयानक परिणाम देश को नहीं भोगना पड़ेगा। ये अभी आप जो आपने अभी जिक्र किया, अभी 1-2 ही 3 महीने बाद मनीष जी आपस में, अभी मेरे ख्याल से अभी शुरू हो गई होगी कि मुख्यमंत्री कौन, और उसके बाद एक हो जाएगा तो दूसरा उसकी लंगोटी उतारने में जुट जाएगा। तो ये अभी आपस में वहाँ बहुत भयंकर कलह मिलेगी, क्योंकि दोनों बड़े नेता हैं वहाँ पर जो इसके लिए लड़ेंगे। तो वो कोई उसको मैं बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं ले रहा, और जो ले रहे हैं तो मैं उनको एक बात कह रहा हूँ, जिन्होंने कहा ना कि बड़े प्रदेश बड़े अरे उत्तर प्रदेश से बड़ा प्रदेश है कोई? जितने आप भाई केरल में, तमिलनाडु में और तेलंगाना में तो भाजपा कभी थी ही नहीं, कभी नहीं थी। और बाकी जो गिना रहे हो कि हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, तो ये सब मिला लो, उनसे ज़्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। सब मिला लो, जितने छोटे छोटे किनारे, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इनके सबकी सीटें जोड़ लो, तो उन सबसे सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश ने आज ही अपना संदेश ढोल बजा के दिया, इतिहास बना के दिया है। तो ये सब ना, ये भाई ये पाखंड करने के लिए, ढोंग करने के लिए, लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए इस तरह की चर्चा है। जिन दक्षिण के किनारे हो तो वहाँ तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, ये बड़े प्रदेश हैं, लेकिन वहाँ तो भाजपा पहले भी कभी नहीं थी, और अब की भाजपा तमिलनाडु में चौंकाने जा रही है। जरा इंतजार करिए 2024 का, तमिलनाडु में भी चौंकाएगी, तेलंगाना में भी चौंकाएगी, और चौंकाएगी इस कर्नाटक में भी, ये भी याद रखिए। बिल्कुल सर, चौंकाएगी कर्नाटक में।